मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो वेलकम बैक टू आवर व्लॉग सिमर मुस्कान। और हमारा ये वाला रूम मैंने सेट कर दिया है अच्छे से, अभी चलते हैं दूसरा रूम सेट करने के लिए। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको और आप सभी के परिवार वालों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। तो चलिए गाइस, मैम मंदिर हो आई सुबह सुबह, और मंदिर से आने के बाद ही बेडशीट वगैरह चेंज की है अभी। तो अभी दूसरा रूम भी साफ़ कर लेते हैं, काका सो रहा ऊपर, इससे पहले वो आता है, इससे पहले मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ आज। तो गाइस, आज हमारी काम वाली नहीं आई, छुट्टी मार गई आज भी। क्या कहना चाहोगे मम्मी आप? करना की चाहूंगी मैं तो हूँ, आप ही काम वाली ऐसी बनती हैं दोनों जानी और की करिए मरिए। हाँ जी पापा, सामके का आटा पापा, सामके नहीं लेके आना, सामके का आटा ले आना पापा। किन्ना लेके आओगे? पाइया ही आप खाओगे ना? पाइया ले आना पापा। मैं नहीं खाना, मेरे दिल में कुछ ना। पाइया ले आना, पाइया वो तो मैं नहीं खा सकती। सामके का पापा व्हाइट व्हाइट कलर का आटा, ठीक है पापा, याद रख लो। तो हमारी एक और काम वाली आई है, नहीं ये देख लो डस्टिंग कर रही है फिलहाल। तो पसंद होवे तो जरूर दसियो, हां किसी को लगवानी हो तो अपने घर में बता देना। चल मेरा पुत्र काम वाला, ये खाता नहीं है, मेरे को इतना गुस्सा आता है इसके ऊपर, बड़ा गुस्सा आता है सच में। बच्चे एदा ही फलदे होंदे आ कमलिए, भावे गाइस को तू पूछ ले जिन्ना नु पहले तो खा लेता था मम्मी पर, अब क्या हो गया इसको? मुस्कान नहीं बच्चे, नहीं बच्चे एदा ही फलदे आ, ओके बहुत ओके पलदे आ। तो कुछ खाएगा ना तो क्या खाए, थोड़ा बच्चे जम जाते जिद्दा ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰੂਲ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੱਚ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਕਾਨ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਐ ਥਿੰਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਤੀ ਹੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਪੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਤਨੀ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਆ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਾਣਾ ਛੋੜਦੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਫੁਲਕੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਾ, 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕੀ ਟੋਕੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਪੇ ਵੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮੈਸਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਬਸ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਸ ਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸਕੋ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਂ ਮੈਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੱਚੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਾ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਉਸਕਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਤੀ ਹੋ ਯਾਰ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਤੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਖਾਤੀ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਕੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। और एक तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पार्लर वाली होती है ना वो बड़ा धोखा करती है, तो सतर्क रहे, सावधान रहे अपनी पार्लर वालियों से, है ना मम्मी? चल बेटा कोई बात नहीं, पर मम्मी धोखा तो नहीं करना चाहिए ना, साफ साफ बोल देना चाहिए कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, धोखा क्यों करते हैं? पर गलत है ना, ये चीज बता के वो चीज चिपका दो तुम, या तो साफ साफ बोल दो कि हमें नहीं है दोबारा खाता। झूठ भी क्यों बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलना चंगा थोड़ी होता है। तो मम्मी झूठ क्यों बोलना है? नहीं जो जितने पैसे मांगता आप देते हैं कि नहीं देते, फिर झूठ बोल के क्यों करते हैं? सारी दुनिया ही झूठी है, फिर भुगतते भी तो है ना लोग यहीं पे। अपने गिरवान च कोई झटी मारदा बेटे, असि भुगतते भी हां। तो फिर धोखा करेंगे तो भुगतेंगे भी सही,
भगवान से तो नहीं डरते ना लोग। अपने आप गिरे तो आप लोग भी ना, मैं सच बता रही हूँ, अपनी जो पार्लर वाली होती है, आप कुछ भी काम करवा के आते हो तो अपनी नजरों के सामने बोलो कि मेरे को ये चीज करवानी है, पहले ये इस चीज का डब्बा लेके आओ मेरे सामने और इसी मेरे सामने डालो ये चीज, तो उस चीज पे विश्वास करना, अदरवाइज उन पर विश्वास मत करना, क्योंकि मैं तो खा चुकी हूँ। आप लोग सब बच के रहना, ठीक है, इतना ही कहना चाहूँगी मैं। अभी फटाफट काम कर लेते हैं क्योंकि मेरी मम्मी तो लगी है अपने काम पे, मैं भी लग जाती हूँ काम पे, भी तो सारा घर आप हो गए फैला पड़ा है, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, है ना। चलिए गाइज लगते हैं काम पे। तो गाइज आज है ना, मैं आप लोगों को एक रेसिपी और दूंगी कि व्रत के मतलब तब व्रत होता है तब क्या खाते हैं। तो मैं बनाती होती हूँ आलू की सब्जी, आलू का रायता और कुट्टू की पूरी भी कह सकते हैं, और वो भी पूरी कह सकते हैं, सामके की पूरी, और थोड़ी सी खीर बना लेंगे साथ में, मीठा भी होना चाहिए, है ना गुगी, है ना। फाइन किसी कर दे तैयार ना। जी तू ना अपने पहले एक दो ब्लॉग खिंच लिया कर, सच्ची करनी मैं झूठ नहीं बोल रही, फिर ऐसा लोगों के दिल जो अपने यूट्यूब फैमिली प्यार करने वाली है उन्होंने दिल भी टुटते हैं, कोई ब्लॉग नहीं आता सू तो लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। दूजे नंबर एक दो है जो कमेंट्स करते हैं गंदे और रब तो भी नहीं डरते, बाकी मैं तो कल कमेंट्स का रिप्लाई भी दिता सी थोड़ी जी रब तो डर लो चढ़ा दिया, अभी इसमें डालूंगी मैं रिफाइंड पूरिया तलू पे। गाइस आज हमारी गली में ना जागरण नहीं है, देखो पूरा सजा हुआ है, दूर तक लाइट लगी हुई है, मंदिर का जागरण। तो गाइस पहले मम्मी से चेक करवा लेते हैं क्या बनाए, कैसे बना है, ठीक है। प्रसाद कैसा बना है? बहुत ज्यादा टेस्टी। अच्छा बना है, मेरे को तो पूरी में डाउट हो रहा था कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। अभी हम मत्था टेक के आ रहे हैं, जा रहे हैं नीचे जाके जा करके आते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं ना। मैं तो चलो चलिए तो चलिए गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और प्यारे प्यारे से कमेंट करना, और गाइस प्लीज आप लोग भी अपनी पार्लर वालियों से बचकर रहें, और कुछ बोल के कुछ चिपका देती हैं, मैं दोबारा से बोल रही हूँ प्लीज आप लोग भी सावधान रहें उनसे तो, और अपना अपना ध्यान रखिए सबका, परिवार वालों का, अपना अपने बच्चों का। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।